के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बाल एवं नवजात शिशु सर्जरी विभाग अपनी खास और अनूठी उपलब्धियों को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल हॉस्पिटल के इस विभाग ने पिछले करीब 10 महीने में 200 से ज्यादा नवजात शिशुओं की जन्मजात बीमारियों की सफलतापूर्वक सर्जरी की है। इस दौरान विभाग के चिकित्सकों ने कुछ जटिल बीमारियों के दुर्लभ ऑपरेशन भी किए हैं। गैस्ट्रोचाइसिस, जेंडर असाइनमेंट सर्जरी, कंजेनाइटल सिस्टिक एडिनोइड मालफॉर्मेशन सर्जरी, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा का दूरबीन से सफल ऑपरेशन किया गया है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बताया कि हॉस्पिटल के बाल एवं शिशु रोग और सर्जरी विभाग में इलाज के लिए उदयपुर संभाग के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात के मरीज भी आते हैं। यहाँ पर बच्चों के इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित NICU और PICU की सुविधा बहुत ही रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो कुल मिला के तकरीबन 3 से 4 पीडियाट्रिक सर्जन होंगे पूरे राजस्थान में। एंड ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें जन्म के बाद जो बच्चों को दिक्कतें होती है उसकी सर्जरी का डिपार्टमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे हर्निया होता है और भी अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें बच्चों को पैदा होने के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और आज की डेट पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये डिपार्टमेंट ऐसा होता है, इनमें बच्चों को अगर इस समय सही समय पर सर्जरी हो जाती है तो बच्चों को पूरी ज़िंदगी उनकी सही हो जाती है, उनको आगे दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह हमारे यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण झवर है, पीडियाट्रिक सर्जन है। पिछले 10 महीने में उन्होंने तकरीबन 200 से अधिक केसेस अभी तक ऑपरेट किए हैं। एंड इसके अंदर पिछले 10 महीनों में कुछ गिने चुने ऐसे केसेस आए हैं जो लाखों में एक बच्चों को मिले जाते हैं सर्जरी के बावजूद, जिसमें एक केस ऐसा था गैस्ट्रो इंसोसिस करके, जिसमें जन्म के बाद उस बच्चे के जितने भी अंग थे पेट के वो सब बाहर थे। मतलब बच्चा पैदा हुआ वो सिर्फ 5 मिनट का बच्चा था और डॉक्टर साहब ने 5 मिनट के बच्चे पे उसके जितने भी आते थी वो जन्म के बाद बाहर निकली हुई थी। तो उसको आंतों को अंदर से वापस से फिट करने के बाद उनको पूरा ऐसा कर दिया कि उनके बच्चे की मदर भी नहीं पहचान सकती कि बच्चे को बचपन के बाद कोई डिफेक्ट था। इसके अलावा एक जेंडर करेक्शन सर्जरी की थी उन्होंने, जिसके अंदर जो बच्चा था उसके बाहर के जो अंग थे वो एक मेल बच्चे के थे और अंदर से वो फीमेल बच्चा था। तो उसका जो जेंडर करेक्शन सर्जरी उन्होंने डॉक्टर साहब ने की थी, ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है उस बच्चे के लिए क्योंकि वो उसकी पूरी ज़िंदगी इस आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों की ये सब दिक्कतें बहुत सारे लोगों को होती है। ये तो कोई मैंने गिने चुने केसेस बताए हैं। इसके अलावा हर्निया है, बच्चों में हर्निया की दिक्कत बहुत कॉमन होती है। तो इस बीमारी के लिए डॉक्टर साहब है, पीडियाट्रिक सर्जरी स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट है। किस तरह की सुविधाएँ जो हैं आपने डिपार्टमेंट में मुहैया कराई हुई हैं जो अपने आप में वर्ल्ड क्लास है? पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए हमने आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, NICU और PICU जो ICU सेवा है, जहाँ पे आधुनिक सारी तकनीकों के साथ जितने भी वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं होए, ऑपरेशन के दौरान सारी चीज़ें उपलब्ध है, आधुनिक फिल्टर्स जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ये सब सेवाएँ हमने बच्चों के लिए प्रोवाइड की हुई है।